हाय एवरीवन, मेरा नाम तन्वी है। मैं की ग्लोबल इमिग्रेशन टीम से हूँ और आज हम फिर आए हैं एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ। मिस्टर बलजीत सिंह, इनका आज ही कनाडा का वीजा लगकर आया है। कंग्रेचुलेशन बलजीत जी। थैंक्स मैम। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा कनाडा का वीजा लगकर आया है। तो बच्चे जी, आप सबको बताना चाहेंगे कि हमने की ग्लोबल टीम ने आपको कितना क्या क्राइटेरिया एग्जैक्टली बोला था अप्लाई करने के लिए। एक्चुअली की ग्लोबल इमिग्रेशन की पूरी टीम ने मेरे को बोला, ये मेरे पास आईएलएस में 4 पॉइंट, रीडिंग में 4 पॉइंट, 4 बैंड एंड 3 मॉड्यूल में 5 ईच बैंड होएगा, फिर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उस टाइम में मैं नवजोत सर को मिला और मैंने अपना फाइल मार्च में सबमिट किया की ग्लोबल। ओके, तो कितना एक्सपीरियंस हमने आपको बताया था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। जिस टाइम मैं नवजोत सर को बोला, उसने मेरे को बताया कि ये कनाडा के लिए अप्लाई करना है तो कम से कम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट मेरे पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस था दुबई का। ओके, तो कितना स्कोर की ग्लोबल इमिग्रेशन टीम ने आपको बोला था, आप सबको बताएंगे। जिस टाइम मैं फर्स्ट टाइम आया उस टाइम मेरा आईएस में स्कोर 3.5 एंड ओवरऑल 5 बैंड था। उस टाइम में नवजोत ने जी केस नहीं लिया, उसने मेरे को बोला कम से कम 4 पॉइंट, 4 बैंड रीडिंग एंड 3 मॉड्यूल में 5 होना चाहिए, इससे कम होएगा तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकता। आपने कहीं और अपनी फाइल सबमिट करी थी यहाँ पे आने से पहले? नहीं, पहले मैंने कभी भी अपना फाइल सबमिट नहीं किया। मैंने फर्स्ट टाइम की ग्लोबल इमिग्रेशन में अपना फाइल सबमिट किया और फर्स्ट टाइम में ही मेरा वीजा आया। ओके, सो आप कुछ कहना चाहेंगे कि ग्लोबल इमिग्रेशन टीम के बारे में, कैसा रहा आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस? की ग्लोबल इमिग्रेशन की टीम के साथ मेरा एक्सपीरियंस सही रहा, क्योंकि की ग्लोबल इमिग्रेशन का टीम पेपर वर्क बहुत अच्छा रेडी करता है, पेपर वर्क के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए जो जो पेपर जो सबको चाहिए था, मैंने पूरा पेपर उसको दिया और आज मेरा वीजा लग गया। कब करी थी आपने अपनी फाइल सबमिट की ग्लोबल के साथ? मैंने मार्च के 1 मार्च को रजिस्टर्ड किया था टी ग्लोबल इमिग्रेशन के ऑफिस में दुबई में। उस टाइम मैं अपना फर्स्ट पेमेंट दिया और पूरा डॉक्यूमेंट दिया, जो डॉक्यूमेंट और चाहिए था उसके बाद मैंने पूरा डॉक्यूमेंट ईमेल में किया और मेरे को ज़्यादा चक्कर भी नहीं लगाना पड़ा। ओके, तो आप की ग्लोबल इमिग्रेशन अपने किसी फैमिली फ्रेंड्स फेलो को रेकमेंड करना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि किसी भी ड्राइवर ने कनाडा के लिए अप्लाई करना करने का, वो अपना टी ग्लोबल इमिग्रेशन के ऑफिस में आके नवजोत सर को और जहाँ मैडम को मिल सकता है और अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी फेक नहीं है। दूसरा कोई भी रिजल्ट होता है वो बोलेगा जी आपका 3.5 बैंड भी 1 मॉड्यूल में होगा, वो बोलेगा 4.5 बैंड है और पेपर लेगा, आपसे पैसा लेगा, फिर सबमिट किया लेगा, उसके बाद आपका रिफ्यूजल आएगा। बट की ग्लोबल इमिग्रेशन जे आपका पेपर वर्क पूरा होएगा, आईएलएस का स्कोर बराबर प्रॉपर होएगा, जे थ्योरी के आपका टाइम पकड़ेगा और नेक्स्ट स्टेप जाएगा। थैंक यू सो मच बलजीत जी, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन।